आज के समय में डकैतों का जोर इतना हो गया है कि दिन दहाड़े चोरी की वारदात को ऐसे अंजाम देते हैं जैसे इनको प्रशासन का कोई खौफ ही ना हो। जरा आप इस वीडियो को देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन आदमी आए और चंद सेकंड के अंदर दुकानदार की दुनिया हिलाकर चले गए। तीनों ने अपने चेहरे को नकाब से ढक रखा। दौड़े दौड़े ये दुकान की तरफ बढ़े और दुकान के पास पहुंचते ही पहले लड़के ने पिस्टल निकाली, दूसरे ने बेल्ट और तीसरे ने अपने हाथों से ही काम चलाया। दुकान में खड़े होते ही दुकानदार को मारना पीटना शुरू कर दिया और कुछ सेकंड के ही अंदर दुकानदार से उसका लैपटॉप और 80,000 रुपये छीन कर भाग गए। दरअसल ये वीडियो मध्य प्रदेश के दतिया जिला का है। यहाँ ग्राहक सेवा केंद्र की दुकान में डकैतों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। इसके बाद पीड़ित दुकानदार ने चोरी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई और अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। 4:30 बजे के आसपास ये घटना संज्ञान में आई है, जिसमें तिगैलिया के पास पंजाब नेशनल बैंक का कियोस्क सेंटर है, जिस पर अभिषेक शर्मा नाम का लड़का काम करता है। उसमें संज्ञान में आया कि तीन अज्ञात लड़के मुंह पे कपड़ा बांधे हुए थे, वो दुकान में आए और उससे पैसे मांगे और पैसे ना देने पर उसका लैपटॉप था वो लेके भाग गए हैं। अब इस संबंध में जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर दर्ज की जा रही है।